Oh my god. मेरे को सुना ही नहीं रेड चिलीज और फना चाहिए था। हाँ तुम लोग फनती लगाओ। तो आज कुछ भी इंट्रो देने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम एवर एक हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं एंड बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। यस, हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है एंड वो आज आपको हमारे जो चैलेंज है उसका इंट्रो देने वाले हैं। और ये चैलेंज एक्चुअली वो जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था, इसलिए हमने आज उनको वीडियो में भी लिया है और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा कि क्या चैलेंज है, चैलेंज में क्या होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग for the time, let's introduce our special guest. Let's clap for him first. तो हमारे स्पेशल गेस्ट है युग गोहिल और ये हमारा छोटा सा भाई है और युग ने ही हमें ये चैलेंज सजेस्ट किया था। Hey guys, welcome back to our channel. This is Pooja Gohil. This is Yug Gohil. This is Kriti Gohil. And you're watching चाला। So here we are back with another challenge video and ये challenge क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये challenge का suggestion हमें युग ने दिया है। So special thanks to him और युग हमें explain करेगा कि ये challenge क्या है। So युग explain करो कि ये first of all title बता दो, challenge का title क्या है? Oreo eating challenge है। ये challenge है जिसमें हम ऐसा कोई चैलेंज है। सो युग बताएगा आपको कि ये चैलेंज में क्या होने वाला है। युग चैलेंज में ये होने वाला है कि हम इन लोग के पास आएंगे, 7-7 ग्लासेस, उन लोग उसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भी चीज वो वियर्डेस्ट होगी। तो तुम लोग को क्या करना है कि घर के एक ओरियो बिस्किट लेना है, कोई ब्लाइंडफोल्ड रहेगा तो उनके पास ना, उसके बाद आपको ओरियो बिस्किट लेना है, वो ग्लास के अंदर डालने, कुछ भी होएगा ग्लास के अंदर डालने, आपको खाना है। तो ये हमारे पास ब्लाइंडफोल्ड, या विद ब्लाइंडफोल्ड। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि हमारे ब्लाइंडफोल्ड लगा रहेगा, कुछ भी रहेगा हमारे सामने, हमको उसको बस डिप करके ओरियो खाना है। ओरियो बिस्किट्स हमारे पास 5 होने वाले, ओके, और डिप्स हमारे पास 7 है। तो जो लकी, मतलब जो वियर्ड, सबसे वियर्ड डिप रहेगा, अगर वो नहीं आए तो हम बच गए। तो ये है हमारे वियर्ड डिप्स, ये रहा हमारा ब्लाइंड फोल्ड एंड ये है हमारा ओरियो बिस्किट का पैकेट जिसमें है 5 ओरियो और हमारे पास है ये 7 डिप्स। तो मैं आपको सबसे पहले डिप्स बता, हाँ चलो तू और यू, तीन तू बता, तीन यू बताएगा, एक मैं बताती हूँ। चलो, मेयोनीज, मिल्क, फ्रूटी, रेड चिली सॉस, दही एंड कॉफी एंड ये है चॉकलेट सॉस। या हमारे पास ये 7 डिप्स रेडी है। अब यू क्या करने वाला है ना, यू तू क्या करेगा, मैं ये ग्लासेस को शफल कर दूँ, शफल करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी, मैंने तो देख लिया है, मुझे पता है पोजीशन क्या है। तो मैं जब भी ब्लाइंड फोल्ड करूंगी तब यू सब ग्लासेस शफल कर देगा और फिर मुझे कोई भी एक इसमें डिप करके खाना है। तो 5 बिस्किट्स है, हमें टर्न बाय टर्न करेंगे, 5 पहले मैं कर दूंगी पूरे बिस्किट और फिर विधि, मतलब हम रॉक पेपर सीजर पहले कर, तो उससे जो जीत गया तो वो फर्स्ट स्टार्ट करेगा। और 5 डिप्स है तो जैसे कि हमने आपको बताया जो हारा वो स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ भाई, आज हमारे स्पेशल गेस्ट की मनमानी चलेगी। हाँ, वो जैसे बोलेंगे हम वैसा कर पाते। सो चलो स्टार्ट करते हैं रॉक पेपर सीजर। युग तू बोलो, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। ओके, सो तीन बार करना है कि एक ही बार? एक ही बार। ओके, तो मैं हार गई तो अभी मैं करूँगी ना। हाँ, चैलेंज स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। सो हम पहले बिस्किट का पैकेट खोल के रख देते हैं। तो ये रहे हमारे ओरियो बिस्किट। ओके, सो मैं ब्लाइंड फोल्ड कर देती हूँ। एक सेकेंड, मैं वीडियो देख सकती हूँ, देख सकती है ना? हाँ, वो देख सकती है। ओके, सो ये मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। दिख रहा है कि नहीं? ये कितने? 1? नो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे तेरे हाथ के पास ही देख 5 बिस्किट्स है। शफल किया? नहीं, डोंट ब्रेक। युग का शफल कर। डन।
ओके सो ये रहा मेरा ओरियो। हुआ क्या डिप? मेरे को पीन तो ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं थैंक गॉड कॉफी है ना। हाँ करेक्ट यस स्टार्ट ही मेरा इतना अच्छे से हुआ तो एंडिंग खराब हो गया। अभी वो तो भगवान के हाथ में उसको हटा देने में। ओके स्टार्ट ये ना ग्लास प्लीज। क्या है यार ये डिप तो हुआ ना। हाँ हाँ हुआ, हुआ। लग के टमाटर सॉस कोई नहीं और आगे बाकी है। दीदी के टाइम पे दीदी के टाइम पे फिर से शो कर दूंगी। अब ये क्या अच्छा है मिल्क केक अच्छा है और एक फ्रूटी अच्छा है। फ्रूटी फ्रूटी ओरियो के साथ ट्राई करते हैं। Oh my God, मुझे कुछ ये I guess ये मेयोनीज है। बहुत ले लिया तूने। बहुत आ गया? नहीं नहीं बराबर है। अरे डर क्या रही मेयोनीज Nice. Oh my God. It is tasting nice. It is very bad. अभी सिर्फ मिल्क ही अच्छा बचा है। खा ले होगी। और दो बिस्किट। वो निकाला मेयोनीज़। हाँ निकाला। प्लीज ये अच्छा। व्हाट इज दिस? दही? हाँ ये शायद दही है। ओह माय गॉड दही को रिमूव करते हैं साइड में। एटलीस्ट दही इज बेटर देन मेयोनीज। मेयोनीज एक्चुअली बहुत गंदा लग रहा था। मेरे को भी अभी डर लग रहा है थोड़ा। अभी एक अच्छा बचा है। अगर तेरा नसीब अच्छा लगा तो तेको वो मिल जाएगा। मिल बाकी ना। I just pray कि ये बाइट में मिल्क आए क्योंकि मुझे लास्ट का टेस्ट खराब नहीं करना है मेरा। हम भी प्रे करते हैं। हम लोग भी पूजा के लिए प्रे करते हैं। अच्छा है कि बुरा है? हमारे पे। ओके तो मैं ये लूँ क्या? Oh my God. Oh yes, it's a milk. I hope it is milk. Ah!
एंड में खत्म हो गया। तो बोले टेन रियलिस्ट हो गए सबसे। नॉट दैट बैड, टेस्ट नहीं आ रहेगा ज्यादा। नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं आ रहा। तो आपको सबसे वियर्ड गॉड, मैं ये चिली सॉस से बच गई। ये और बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाता, बहुत ज्यादा। मतलब आई कांट इवन इमेजिन ओरियो के साथ स्वीट के साथ स्पाइसी। बट इट वाज नाइस, गुड चैलेंज, मजा आया। सो अब आपको सबसे अच्छा मजा लगा? मुझे सबसे अच्छा कॉफी लगा। एक्चुअली कॉफी के साथ काफी अच्छा टेस्ट आता है ओरियो का, बहुत ही डिलीशियस था। हम मिल्क शेक बनाते हैं क्या, फिर हम नॉर्मल कॉफी कोल्ड कॉफी बनाते हैं, उसमें भी हम ओरियो का क्रश डालते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था कॉफी के साथ। ओके सो मेरा टर्न हो चुका है, अब ये विधि का टर्न है। अच्छा ओके I'm so excited. ये चैलेंज एक्चुअली काफी फन है। हमने पहले भी मैंने एक चैलेंज ऐसा किया है जो था गेस द समोसा चैलेंज, जिसमें मैंने सेम ऐसा ही ब्लाइंडफोल्ड किया था और समोसा के अंदर क्या मतलब कौन सा समोसा, रुकना मेरे को बोलने दे, कौन सा समोसा था वो मैंने गेस किया था। तो वो भी चैनल का आपको लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट। इतना बियर्ड है पर अच्छा है ना, दही के साथ अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा ज्यादा भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है यार, बुरा नहीं है। अच्छा तो हम ये दही निकाल लेते हैं। सो अब फर्स्ट हो गया तेरा, अभी सेकंड। हाँ हाँ अरे ये क्या लग रहा है तुझे, क्या हो गया? ये लिक्विड जैसा लग रहा है। अरे तू ये क्या कर, कॉफी इज करेक्ट। अच्छा लग रहा ना कॉफी के साथ। नेक्स्ट, वेट वेट ओके। ओके वो लास्ट है। ये आई गेस फ्रूटी है। हेलो ओ माय गॉड, ये क्या कॉम्बिनेशन है, कंदे से फ्रूटी के रेड चिली सॉस आ गया। मेरे को तो नहीं दिया, रेड चिली सॉस आना चाहिए था। हाँ तुम लोग पनाती लगाओ। अभी गिरता था। ए यू कांट पिक इट अप। सॉरी, ये आई गेस वो है वो। क्या क्या क्या? ओ सॉस। ओ केचप, नहीं केचप नहीं है, ओ चॉकलेट सॉस। ओके सो विधि को ये भी हो गया, ये भी अच्छा है। अभी विधि का एक बहुत ही बुरा है, वो तो देखो पता ही होगा क्या मेयोनीज एक बचा है, दो एक्चुअली दो एक अच्छा है एक्चुअली सॉस और मेयोनीज दो गंदा है ना। यस ओ शिट ओ शिट, अरे कितना सा कम डिप किया। चल ठीक है, बहुत ही बुरा, वर्स्ट डिप। अरे राम मेयोनीज डर लग रहा है, ट्राई कर। ऐसा टेस्ट आता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है मेयोनीज के साथ, ट्राई कर तू। अरे
अच्छा ना, अच्छा वो मैंने ज्यादा नहीं डिप किया। So we are done with this Oreo eating challenge and it was a fun challenge, है ना, बहुत ही मजा आया। Thank you Gamko इतना अच्छा idea देने के लिए challenge। And if you like this video, make sure you subscribe to our channel and ये videos को बहुत सारे likes दो। और यू तुझे कुछ बोलना है? क्या? नहीं तो अगर चाहते हो कि करके मैं आगे और भी challenges में आऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो यू गोपी। अरे वाह, अगर चाहिए कि यू और बहुत सारे चैलेंजेस में आए तो आप लोग कमेंट में क्या लिखना है? यू गोपी। ओके, सो कमेंट सेक्शन पूरा भर दो यू गोपी से, तो हम यू को वापस लेके आएंगे चैलेंज। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए बाय।